अस्सलाम वालेकुम, असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में सर्दियों के हवाले से और झटपट से इजी रेसिपी बनाने के लिए, आज सोच के थक गई थी कि आज मैं क्या बनाऊं। मैंने सोचा कि सब बच्चों की फरमाइश पे आज मैंने मटर वाला पुलाव बनाने का सोचा कि मटर वाला पुलाव इजीली किस तरह जल्दी से झटपट से रेडी हो जाएगा सिर्फ 15 मिनट में। मटर लिए 1 kg के करीब मटर थे, इसको मैंने छील लिए। 2 अदद टमाटर ले लिए, 8 से 10 अदद हरी मिर्चें लेंगे, अदरक का 1 पीस लेंगे और लहसुन छिला हुआ लेंगे। ये सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे हम मिक्सी जार में। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून नमक लेंगे, लौंग लेंगे, बादिया खताई लेंगे, 3 से 4 अदद हम दालचीनी के पीस लेंगे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर लेंगे और इतना मज़ेदार हम पुलाव बनाएंगे कि सब के सब चट कर जाएंगे फटाफट। चलिए, 1 अदद मैंने प्याज लिया है, वो मैंने कढ़ाई में काट के डाल दिया है और इसको हम मिक्सी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं। बाकी मिलते हैं इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मोबाइल उठाएं और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को करने क्लिक, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप लोग के पास आए। बहुत शुक्रिया। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 अदद प्याज डाल दिया और इसमें मैंने 1/2 कप घी का डाल दिया। राइस लिए, राइस मैंने 1/2 किलो लेके और उसको मैंने भिगो दिया और प्याज लेंगे हम 1 अदद और 1/2 कप घी का लेंगे। देखिए, मैंने मिक्सी जार के अंदर सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया और मैंने सारा फल कर लिया। इसके साथ ही 2 टमाटर वो भी हम काट के डाल देंगे। और साथ ही मैं ये सारे मसाले जो हमने रखे हुए थे, काली मिर्च, नमक, इसके साथ ही मसाले के अंदर मटर शामिल कर लेंगे। मटर को धो लिया मैंने अच्छे से, मटर शामिल कर लिया। इतनी प्यारी नाइफ से खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा। मटर हमारे भून चुके हैं और इसके अंदर पानी चला जाएगा, पानी हम डाल देंगे तकरीबन 3 गिलास। 3 गिलास पानी के डाल दिए। जैसे ही मटर पकने लगेंगे हम इसमें राइस डाल देंगे। धोना शुरू हो गया। मटरों को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, नरम मटर अच्छे नहीं लगते राइस में, इसलिए हमने मटरों को ऐसे ही रखना है। और जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हो गया हम इसमें राइस डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, राइस इसमें डाल दिए और हम ढक देंगे हम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। हो चुका है और ये देखें राइस कितने ज़बरदस्त हमारे रेडी होने वाले। सही हो गया, पानी खुश्क हो चुका है, इसको अब दम पे लगाएंगे। देखें मटर हमारे किस तरीके से ग्रीन ग्रीन से मटर हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी है। ये नहीं कि कच्चे हैं, ये इस तरीके के मटर डालें आप, ज़्यादा ना कुक करें, अगर ज़्यादा कुक करेंगे फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। इसको 5 मिनट दम पर रखती हूँ स्लो फ्लेम पर, तवे के ऊपर 5 मिनट के बाद मिलते हैं। मटर वाले राइस रेडी हो गए, टेस्टी टेस्टी से, यमी यमी से। ये देखें बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ठीक है, बजट में बहुत ही कम थोड़े से पैसों में इतना मज़ेदार किस्म का पुलाव रेडी करें और पूरी फैमिली को कर दें खुश। उम्मीद करती हूँ आपको भी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।